हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर 3x आपका डिनोमिनेटर में है। As per the definition of linear equation, आपकी पावर x की नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे आपने अगर 8x लिखा है और अगर 8 अपॉन 3x लिखा है, तो यहाँ पे x की पावर क्योंकि डिनोमिनेटर में है, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, तो इसको हम 8 इंटू 8 अपॉन 3x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो जब भी हमारी पावर माइनस 1 होती है, वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। तो ये क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करे जा सकते हैं बाय वन सिंगल स्टेप। राइट नाउ ये इक्वेशन अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसके अंदर हमारा स्टेप 1 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको हम कैसे करते हैं हम देखते हैं। अभी जैसे यहां पे लिखा है 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल्स टू 2, इसको कंप्लीट करेंगे एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लुकिंग थिंग। और यहां पे न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट इंटू द डिनोमिनेटर ऑफ राइट equals to numerator of right into the denominator of left. तो ये आपका हो जाएगा 8x minus 3 into 1 equals to 2 into 3x. तो वो हमारा होगा 8x minus 3 equals to 6x. तो अब ये question आपका proper linear equation है, क्योंकि x की डिग्री यहां पे 1 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड टू लीनियर इक्वेशन। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 3 ट्रांसपोज करके, सो 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 बाय 2। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, x इक्वल्स टू 3 बाय 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आंसर 2 आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन में चेकिंग के लिए नहीं कहा गया है, बट अपने आंसर को चेक करना हमेशा अच्छा रहता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने की टेक्निक सिखाऊंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.